हे यू व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल वीपीएन स्टेबल एंड सेफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड करके रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या फायदा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस एप्लीकेशन से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक के बने रहना, क्योंकि आपका दोस्त आपको अपनी इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला है। दोस्तों, बात करें इस एप्लीकेशन के रेटिंग पॉइंट की तो 4.1 है और इसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और उसको अभी बहुत से लोग डाउनलोड करके यूज भी कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस एप्लीकेशन को ओपन और आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताए थे ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज भी कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको टर्म्स एंड सर्विस देखने के लिए मिलेगी, उसके लिए आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। डायरेक्टली ये ओके वाला ऑप्शन दिख जाता है आपको, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। बहुत से लोग ये चीजों करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको तीन चीजें बता दूं, नीचे साइड में आपको देखोगे तो एक वाला ऑप्शन मिलता है आपको नीचे साइड में और सेटिंग ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको बैक करना है, बैक करके वापस से फिर एप्लीकेशन में एंटर करना है ताकि यहाँ पर एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करो दोस्तों, तो यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट मिलेगी, उसके लिए हमको कैंसिल करेंगे तो डायरेक्टली ये हट जाता है। और आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर हम क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमको आ जाता है और कनेक्ट होने के साथ साथ हमको एक एडवर्टाइजिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इसको एडवर्टाइजिंग को ऊपर की साइड से हटाना है। ऊपर की साइड से हटाने के बाद में ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ डाउनलोडिंग स्पीड से लेकर अपलोडिंग स्पीड आपको दोनों देखने के लिए मिलती है। अब बात करें इस एप्लीकेशन की दोस्तों, आपको यहाँ 3 से 4 चीजें देखने के लिए मिलती है। यहाँ वोटिंग वॉशिंगटन DC, US शिकागो और US फोनेक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेगा तो एक सेकंड वाला ऑप्शन नीचे साइड में क्लिक करना है, थर्ड वाला आपको मिल जाएगा सेटिंग वाला। यहाँ पर बनता है आपका अकाउंट, अगर आप चाहो तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है डायरेक्टली फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ओनर से भी बात कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन की बात करें तो वर्जन है इसका 1.3.5। दोस्तों, ये एप्लीकेशन एकदम बेस्ट एप्लीकेशन माने गया, इससे आपको कोई प्रॉब्लम है दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल होता है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।